आज नोकिया ने इंडिया में न्यू इवेंट रखा था नोकिया 2 के लॉन्च के लिए, और आज नोकिया 2 लॉन्च हो चुका है ग्लोबली। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। सबसे पहले बात करें प्राइस की, तो इसकी प्राइस 99 यूरोस है, मतलब कि इंडियन रुपीस में अप्रॉक्स 7500 रुपये होंगे। इतने रुपए में बहुत सारे फ़ोन्स अवेलेबल है, जैसे रेडमी 4A जो 6000 में अवेलेबल है, और रेडमी 4 जो 7000 में अवेलेबल है। सो इस फ़ोन के लिए कंप्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। सबसे पहले इस फ़ोन में आपको 5 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है, और इसमें LTPS डिस्प्ले है। LTPS LCD डिस्प्ले का मतलब है ये एक फास्टर एंड मोर बैटरी एफिशिएंट डिस्प्ले है। इसके अलावा इस फ़ोन में HD डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी मिड रेंज के फ़ोन के लिए। इसके अलावा हम बात करें बैटरी लाइफ की, तो इसमें 4100 mAh की बैटरी रखी दी गई है, जो आराम से 2 दिन तक चल सकती है। इस फ़ोन के हाईलाइट में ये दिखाया गया है कि नोकिया 2 का मतलब 2 डे ऑफ बैटरी लाइफ है। इसके अलावा इसमें गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए क्वाड कोर 1.3 GHz का स्नैपड्रैगन 212 प्रोसेसर दिया गया है, जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही पावर एफिशिएंट है। लेकिन प्रोसेसर और गेमिंग के मामले में इतना खास नहीं होगा। और अगर हम देखें कि रेडमी 4 में जिसमें दिया जाता है स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर, उसके मुकाबले ये काफ़ी अच्छा नहीं है, और इसके सेलिंग पे बहुत ही अफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 7.1 दिया गया है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और Xiaomi Redmi 4 में भी अभी 7.1 नोगट आने वाला है MIUI 9 में। सो ये अच्छी बात है कि आपको सीधे ही 7.1 नोगट मिल रहा है। पर सबसे अलग बात यह है कि इसमें नोकिया में आपको प्योर एंड्रॉयड मिलता है, जबकि रेडमी में आपको MIUI का कस्टमाइजेशन मिलता है, जो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आपको प्योर एंड्रॉयड पसंद है तो आप इसी फ़ोन से जाना चाहेंगे। लेकिन इसके अलावा इसमें 8 MP का कैमरा है और 5 MP का फ्रंट शूटर है। कैमरे के मामले में नोकिया हमेशा से बढ़िया रहा है, सो कैमरे की क्वालिटी तो अच्छी ही होगी। इसके अलावा इसमें आपको 1 GB रैम मिलती है, जो कम है इस प्राइस पॉइंट में, क्योंकि कम से कम 2 GB तो दे सकते हैं आप 7500 में, क्योंकि रेडमी नोट 4 में 2 GB मिलती है 7000 में, और रेडमी नोट 4A में 1 GB मिलती है 6000 में, और 8 GB की रोम दी गई है। और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला क्लास 3 है, जो आपकी स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही कमाल का है और बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हम काफ़ी बार देखते हैं कि Xiaomi के फ़ोन्स में ये स्क्रीन क्रैक होना लगा रहता है, लेकिन Redmi 4 में भी गोरिल्ला क्लास दिया गया है। और GPU की बात करें तो आपको यहाँ पे Adreno 304 GPU है। सो ये थी इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, और ये फुल मेटल बॉडी का फ़ोन है। सो इस फ़ोन के कंपटीटर्स में मेन तो Xiaomi के Redmi 4A और Redmi 4 है, क्योंकि इसकी प्राइस इसी रेंज में आती है 7500। सो देखते हैं आगे।